साफ तौर से तस्वीर तुम इस वेले दिखा रहे हो कि गुजर बकरवाल का अज जम्मू के बाहू प्लाजा में एक पीसफुल प्रदर्शन रहा, जिदे उन्हें अपनी मांगा तो लिए सरकार अगे ये अपील की है कि अगर जनाब पहाड़ियों एस टी स्टेटस दिता गया तो जनाब जिहड़ा अज साड़ा पीसफुल प्रदर्शन बाहू प्लाजा च रहा, ये आने वाले समय च बहुत बड़ा प्रदर्शन तुहानू सड़कां च भी मिलेगा। मगर जिहड़ी जनता इस वेले इस वीडियो नू दिखा रही है वह वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करे और खबर के थले अपनी राय जरूर दियो। देखो तुम वीडियो अंत तक। हिंदुस्तान के 22 करोड़ गुजर हमारे है। मुखिया गुजर साहब जिन्होंने दिल्ली के अंदर हमारा जंतर मंतर में धरना चल रहा था और गवर्नमेंट को हला के रख दिया था, जब हमारा अगस्त का जो हमारा पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा था, मुखिया गुजर साहब ने ये बता दिया कि जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट है, जो आपका जंतर मंत्र है, वो यहाँ पर आपकी सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारे जो गुजर थे उनकी जमीनें हैं, उनकी जमीनों पे आप यहाँ बैठे हुए, दिल्ली में काबज है तो गुजर है, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मेरठ हो, राजस्थान हो, हमारे गुजर और हमारे मुखिया गुजर और जो चेहरे स्टेज के ऊपर खड़े हैं, हमारे सुनील मिश्रा साहब, हमारे एडवोकेट साहब अनंत पटेल साहब, निपाल सिंह साहब, आज तक हमने कदे किसी सरकार की ओर नहीं देखियो अपर क्लास का लोग जेड़ा एसटी हो सके। हम इस सरकार को यह गल कहनी चाहवा इस मंच के माध्यम से कि हम नो एक ऐसा महाजन खत्री ब्राह्मण राजपूत सैयद शेख प्राण खान कोई ऐसा परिवार दिखा दियो कि बकरवाला की तरह या गुजरा की तरह जम्मू तो कश्मीर जाता हुए जहाँ जम्मू तो सरनासर जाता हुए गुजर की तर्ज पर और बकरवाल की तर्ज पर हम मन जाना सरकार नो कि कदे घोड़ा ऐस बकरी लेके हमने आज तक अपनी होश नहीं देखी हो तो वे एसटी का स्टेटस हकदार नहीं है। साथियों हम इस मंच की ओर मैसेज देना चाहें सरकार नो, आज जम्मू का थोड़ा जा लोग जम्मू पुंछ रजौरी सारा इलाका में थोड़ा थोड़ा लोग आया हुआ है और इत भी हमने मोबिलाइजेशन जी है बड़ी सामना लोई भी है। इंशाल्लाह अगर दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई करनी भी क्या बहुत बड़ी तादाद इसकी शक्ल दी जाएगी और हिंदुस्तान का जितना भी हमारा हिंदू भाई गुजर है वे भी हमारे नाल इस गल वास्ते मंच पर आने वास्ते तैयार है। हमारा मास्टर मुस्ताक साहब आया, मैं बड़ा दूर से हूँ, तनु एरिया तो पूछना तो समझो जलंधर में पूछने के बराबर है, उनको भी हम शुक्रिया अदा करा इस मंच पर हूँ। बाकी बरादरी भी हमारी दूर दूर इलाका से आए, डॉक्टर गफूर साहब भी आया हुआ है, हमारी बहन डी डी सी माड़ी बलौड़ी साइड से वे भी आई हुई हैं, तो हम लोग जो फख्र है इस गल में कि हमारा सारा लोग जोड़ा है अच्छा इंटरस्ट नाल काम करें। मैं हम बठिंडी आया, मैं बाड़ी खड्डों आया, चीड़ खड्डों आया, बलौड़ी से आया, नीम से आया, बरजाणी से आया, सुनंद से आया, मेहमान आ रहे हैं, उनको वेलकम करने जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है सारा लोग खड़ा हो गए इनको ताड़ियों नाल वेलकम करें, बहुत बहुत शुक्रिया खुदा। चाहे आजाद साहब की पार्टी है, चाहे महबूबा मुफ्ती साहब की पार्टी है, चाहे उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, चाहे रविंद्र रैना की पार्टी है, चाहे कोई और पार्टी है, कि वक्त ऐसा आ जाओ गुजर बकरवालों का विद्रोह नहीं कर सकता। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँ कि पैन भाई उठ खड़ा हो, या लंबी लड़ाई है हमारी, हमारी हमारी जायदाद को खोसने की कोशिश की जा रही है। अगर इन्होंने ट्राइब देना है लास्ट में एक बार कहूंगा, अगर हमारा बुखारी पीर रजौरी पुंछ का एसटी हो सके तो अल्ताफ बुखारी साहब श्रीनगर का क्यों नहीं हो सकता? अगर हमारा गुप्ता रजौरी को एसटी हो सके तो मेरा बिलावर को एसटी को गुप्ता क्यों नहीं हो सकता? अगर मलिक रजौरी पुंछ को एसटी हो सके तो मलिक किश्तवाड़ को क्यों नहीं एसटी हो सकता? या सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है, जो पॉलिटिकल माइलेज लेने को तरीको है। जीत ब्याज अगर कमी रही अच्छा ही रही फिर भी बड़ी काले के गुजर बकरवाल इकट्ठा हुआ। मैं कति सिपियों में अपील करता हूं उनसे कि भाइयों आपका हक भी हमारे साथ है, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ये कानूनी लड़ाई है, हम किसी तबके के खिलाफ नहीं,
हम किसी जमात के खिलाफ नहीं, जो हमारे हक को छीनेगा हम उसके खिलाफ।